हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया, ठीक ठाक। उम्मीद करते सब बढ़िया हुए हैं। और बाकी तो मीनू मौसी कभू कभू आती हैं अच्छे से अच्छे कलाकार संगे, लेकिन आज हम पूरा है ना, जो ये जो सेशन है ना हमारा इंटरव्यू वाला सेशन, एक खूब नाच गाना बजाना सब ये वाला है। कैसे आज हमारे संगे आए हैं डांस दीवाने की पीयूष। हेलो पीयूष, साजू बेटिया में आपका स्वागत है। कैसे हेलो, धन्यवाद। मैं हो? बिल्कुल मस्त हूँ। आप कैसे हो? हम तो एकदम बढ़िया हैं। जे बताओ, तुम्हारी प्रैक्टिस वैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस वैक्टिस तो बहुत सुंदर चल रही अच्छा, तो कौन से गाने की अभी चल रही है, मतलब कौन से गाने की तैयारी करी है अभी नेक्स्ट एपिसोड के लिए? नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी जो आएगा वो आएगा झांझरिया। अच्छा तो भैया देखो, जी हम पहले तो सस्पेंस नहीं खोले हैं कि डांस के स्टेप बता दे, लेकिन जे जरूर चाहेंगे कि बड़े मतलब बैठे हो, पीछे स्पेस दिख रही है, तो एक आध गाने पे आज ठुमक दे। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप अभी, और कौन से गाने पे डांस करना चाहेंगे? अभी अभी डांस कर रहा है। हाँ, एक स्टेप तो बड़े बनता है, मतलब मीनू मौसी संगे आए हो, बात करवे के लिए बिना नाच गाना के चले गए, मीनू मौसी जाने नहीं दिए। अभी रिसेंटली जो आपने डांस परफॉर्मेंस दिया, सुभाष घई जी ने टोपी पहना दी, इतनी तारीफ करी, आपके अंदर शाहरुख खान मतलब उनको दिखाई दिए, वो एपिसोड और वो फीलिंग बिल्कुल बताइए कैसा रहा आपको, सुनने में कितना मजा आया? अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ कमेंट आएगा उनके तरफ से मेरे लिए कि मुझमें शाहरुख दिखा एंड उन्होंने वो उनका हैट दिया। मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो बस ये सोच के गया था कि ये मेरे लाइफ का सबसे टफेस्ट एक्ट है अब तक का किया हुआ। तो मुझे बस इतना पता था कि मुझे एक्ट अच्छे से निभाना है जो मुझे दिया गया है। बस इसके अलावा मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था। एंड जो कुछ हुआ सब अनएक्सपेक्टेड हुआ। उनका स्टैंडिंग ओवेशन देना, फिर उनके कमेंट्स, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रहा था उनको कुछ। मैं मतलब थैंक यू ही बोल पा रहा था। इससे आगे मेरी खुशी इतनी थी कि मैं उनको क्या ही बोलता। तो बहुत ज्यादा खुश था, मतलब कि मैं अकेला ऐसा था उस दिन मतलब जिसे उनकी वो प्रीशियस टोपी मिली, रखी है संभाल के मैंने। तो मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ वो चीज को लेके। अच्छा, तो और बाकी तो देखिए, आपके डांस स्टेप से तो सभी दीवाने हो चुके हैं, चाहे वो धर्मेश हो, धर्मेश तो खैर तुम्हारे फैन हो ही गए हैं, और माधुरी जी भी तुम्हारी दीवानी है, और साथ ही साथ तुषार भी, तो उनके बारे में बताइए, सबसे ज्यादा अच्छे और प्यारे कमेंट आपको किन से मिलते हैं? वैसे तो सारे जजेस ही प्यारे हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई प्यारा नहीं है। मतलब सारे जजेस ही प्यारे हैं। बट ऑफ कोर्स मेरे पर्सनल फेवरेट तो धर्मेश सर ही है, क्योंकि मैं उनका इतना बड़ा फैन रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स मुझे धर्मेश सर के साथ साथ बाकी जजेस को भी इम्प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे माधुरी मैम को एंड तुषार सर को। ऑफ कोर्स तुषार सर से कहीं ना कहीं मुझे डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्यों। कि पता नहीं, बस लगता है थोड़ा, रहता है ना कि यार ये मतलब देखने में लगता है कि ये जस्ट थोड़े स्ट्रिक्ट है, हमको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो मतलब धर्मेश सर को इम्प्रेस करने के साथ साथ मैं वो भी ध्यान में रखता हूँ कि नहीं, तुषार सर भी बैठे हैं तो कुछ गलती नहीं करना है, सबके तरफ से अच्छे कमेंट्स आना चाहिए। तो मजा आता है। मतलब माधुरी मैम जिस तरीके से मतलब नाम रख दिया मेरा रोमांस के बुलबुले, तो बहुत अच्छा हाँ, लगता है वो सब उनसे सुनने में। रोमांस के बुलबुले, बताओ कितना है? हाँ, इत्तू से हो, मैं रोमांस के बुलबुले नाम रख दिए गए हो, बढ़िया है। सही कह रहे हैं, अच्छा डांस कर लिया, अभी हमारा मन कर गए कि तुमसे एक आध स्टेप सीख ले बैठे बैठे, कहीं से खड़े हुए कोई तो जगह मिलती पक्का नहीं है, तो ये बताओ हमें डांस सिखाइयो कि नहीं सिखाइयो? किसी पक्का बिल्कुल सिखाएंगे किसी रोज। ठीक है, रोज, हाँ रोज रोज हम मुंडी हिलानी है तुमसे किसी रोज, तुमसे, किसी किसी रोज तुमसे तना रोज ननन, तुमसे, तना हाँ तना ननन ननन तना मुला। ओके, ननन मुला अभी हाथ कात, कात, रोटी बना ली होगी, आओ बना ली होगी,
होगी टनन। अच्छा टेन, ठीक है हाँ, बढ़िया। अभी चलो मुंह वापस से से गाके कर शोल्डर ले। पे। फाइव आओ वन सिक्स टू गो, 5 6 7 गो, किसी रोज तुमसे टनन मुलाकात होगी ओके टनन। हो गया। हाँ बढ़िया है, तो मन कर गया कि फिर से हम गाना डांस जरूर सीखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, देखिए डांस करना पहले जमाने में डांस को कहते हैं ना, मतलब कोई जरिया नहीं माना जाता, इसे ही ठीक है डांस करना आता है तो आता है, लेकिन आज के जमाने में डांस की वैल्यू बहुत हो गई है। तो उसके बारे में बताइए, यस मतलब कब मन किया आपका डांस सीखने का, कब से शौक जागा डांस करने का? मैं बहुत छोटा था, 3 4 साल का शायद, या उससे भी छोटा, 2 3 साल का। तो हम लोग गए थे राजस्थान घूमने के लिए, तो मम्मी बताती थी कि वहां पे कुछ लोग थे जो टपली बजा रहे थे। तो वो टपली बजा रहे थे तो मैं डांस कर रहा था, कुछ कर रहा था, और जैसे उन्होंने बंद कर दिया तो मैं रो रहा था। तो जैसे वो बजा रहे थे मैं नाच रहा था, वो बंद कर रहे थे तो मैं रो रहा था। तो फिर मम्मी ने उनको पैसे दिए कि देखो आप बजाते रहो बट रुको मत, उसको नाचने दो। तो तभी से था डांस अंदर से। और फिर पहले मैं एक छोटे गांव में रहता था एमपी में, फिर मैं महाराष्ट्र आया, नागपुर आया, फिर बड़े जैसे होते गया तो डांस रियलिटी शोज बहुत आने लगे टीवी पे, तो वो देख देख के और क्रेज बढ़ गया। फिर बस यूट्यूब निकालता था, वीडियोस निकालता था, ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते गया। और फिर एक मुझे एकेडमी मिली जिसका नाम है पॉइजन रॉक्सा डांस एकेडमी, जहाँ पे एक टीचर है अमोल गोटेकर, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो बस तब से शुरू हो गया डांस करना, ट्रेनिंग प्रॉपर। अच्छा एक बात बताओ, मतलब ये डांस दीवाने के ऑडिशन के लिए आए थे तो क्या पूरे फुल टू तैयारी के साथ आए थे कि मतलब एकदम सेलेक्ट हो ही बिल्कुल। जाएंगे? मैंने तो बस ऐसा सोचा था कि मुझे मेरा परफॉर्मेंस अच्छे से देना है और जजेस को इम्प्रेस अच्छे से करना है, प्ले मिलना, स्टैंडिंग ओवेशन मिलना, मतलब ऐसा सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था मिलेगा, बट मैंने सोचा था मुझे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा देना, मुझे खुद को प्राउड फील कराना कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो मैं तो बहुत मतलब लॉकडाउन से ही प्रिपरेशन में लगा था, जब फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था तभी से मैं मतलब प्रिपेयर हो रहा था, घर में ही रिहर्स करता था, घर में ही सारी नई नई चीजें निकालता था कि मैं डांस दीवाने में अगर आगे तक जाता हूँ तो ये करूंगा ये करूंगा। तो मैं तभी से प्रिपरेशन कर रहा था। फिर जब फाइनली ऑडिशंस आया तो फिर मैंने बस मौके पे चौका मारने का सोचा। अच्छा एक बात बताओ, और हम देखे मतलब हमें ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन ऑडिशन के समय तुमने वही गाने पे डांस किया जिस में धर्मेश जी ने गाने किया था पे ऑडिशन जी के? जी करेक्ट, मैंने सोचा था कि इससे बड़ा कोई चांस हो नहीं सकता, तो सोचा कि इसी को यूज करते और वही गाना करते और सर को इम्प्रेस करते। तो मतलब आप अपने आप को नहीं, मतलब कहीं ना कहीं धर्मेश जी की जिंदगी जो थी पहले डांस की में आने से पहले, वही कहीं ना कहीं आपकी भी जिंदगी कहीं ना कहीं मैचिंग करती है? हाँ, मतलब धर्मेंद्र सर ने ऑफ कोर्स बहुत सारा स्ट्रगल किया है डांसिंग में, एंड वो भी बहुत सारे रियलिटी शोज में जाते थे करते थे, तो वैसे भी मैंने भी ट्राई किया है, उन्हीं को देख देख के सीखा हूँ, बस मैच करते थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ उनको मैच करने का। अच्छा अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाते हो धर्मेश से? कनेक्ट कनेक्ट तो क्योंकि करता हूँ मतलब बहुत कनेक्ट करता हूँ मैं, पता नहीं उनको देख के एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब वो सामने रहते हैं तो अपने आप ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि यार अब धर्मेश सर बैठे ना तो सब अच्छा होगा, जिस दिन वो नहीं रहते ना तो ऐसा लगता है यार कैसे होगा परफॉर्मेंस, अभी कैसे होगा परफॉर्मेंस, बट अगर धर्मेश सर बैठे रहते हैं तो अपने आप मतलब ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब धर्मेश सर कॉन्फिडेंट, परफॉर्मेंस के पहले कॉन्फिडेंस आता है, पहले बोलते हैं ऑल द बेस्ट पीयूष अच्छे से करना, मतलब विश भी करते हैं, तो बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है उनके साथ मेरा। तो जब भी मैं कोई स्टेप करता हूँ तो उनको समझ में आता है कि ये बीट पकड़ा है ये बीट पकड़ा है, तो वो पता नहीं वो अपने आप बन गया कनेक्शन, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप डांस के थ्रू ही बन गया। अच्छा कभी ऐसा कोई मौका आया जहां पर मतलब आपके, देखिए वैसे तो आपकी डांस परफॉर्मेंस सभी को पसंद आती है, चाहे कोई गेस्ट आ जाए चाहे जजेस हो, है? लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कोई तो डांस स्टेप गड़बड़ा गया हो और आपको बोला गया हो कि आज मजा नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा एक बार हुआ था जब पुनीत सर आए थे, तो उन्होंने बस कहा था कि एक्स फैक्टर मिसिंग था थोड़ा, और मतलब जैसे आप गाने को फील करते हो एक्सप्रेशन देते हो, तो आज पीयूष में थोड़ा सा वो मिसिंग लगा, तो वो एक बार हुआ था बस, फिर उसके बाद कभी मैंने होने नहीं दिया। वैसे कभी कैसे होने दोगे, उस दिन जानवी जो आई थी, जानवी के साथ तो तुम डेट पे चले गए। अच्छा वो इंसिडेंस बताइए,
मतलब पहली बार कोई फिल्म एक्ट्रेस, मतलब फिल्मी एक्ट्रेस जो है वे आके तुमको प्रपोज कर दी डेट पे जाने के लिए, तो मैं हकबकाए से तो लग रहे थे तुम। हकबकाई नहीं, मैं तो मतलब ऐसे स्माइल कर करके मेरे गाल दुख रहे थे, मतलब इतना शर्मा रहा था, मैं ऐसे पकड़ पकड़ के गाल दबा रहा था कि कैसे करूंगा, मैं क्या बोल दिया उन्होंने, मतलब सच में बहुत ज्यादा शर्मा रहा था मैं, कैसे तो डर डर के मैंने उनके सवालों का जवाब दिया और उनके लिए डांस किया मैंने, बट बहुत डरा हुआ था मैं कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कहीं कुछ मैं गलत ना बोल दूं, मतलब पता नहीं समझ नहीं आता है उस मोमेंट पे कि क्या किसको क्या बुरा लग जाए, और वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो मैं मतलब एक एक कदम फूक फूक के रख रहा था कि नहीं नहीं शांत रहना है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है बस। लेकिन एक बात कहेंगे कि मतलब आप देखिए, वैसे पूरी दुनिया जानवी की दीवानी होगी, लेकिन जानवी को तुमने अपना दीवाना कर दिया डांस करा, डांस दिखा के है। जी अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं डर है कि मतलब आगे कैसे, देखिए जब जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टफ कंपटीशन होता जाता है, तो कहीं ना कहीं डर है आपके बराबर, दिल में? ऑफ कोर्स बहुत डर है, क्योंकि अभी बहुत से जितने भी लोग हैं कोई भी मतलब हल्का परफॉर्मेंस तो कोई देता ही नहीं है, मतलब सारे लोग आएंगे प्ले प्ले लेके चले जाएंगे, सारे लोग आएंगे स्टैंडिंग ओवेशन लेके जाएंगे, तो ऐसे में डर लगता है कि कहीं मैं कुछ कमी ना कर दूं जिससे कुछ मतलब कुछ बुरा हो जाए, मतलब क्योंकि अभी जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो चुकी है, तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में भी टफ कॉम्पिटिटर आए हैं, और पहले के जो लोग थे वो तो और अपग्रेड होते हुए जा रहे, तो मेरा भी ध्यान उसी तरफ है कि मैं हर एपिसोड अपग्रेड होता जाऊं और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देता जाऊं और बाकी लोगों को टक्कर देता जाऊं, तो अभी तो फिलहाल डर तो बहुत है, बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि सब लोग इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपग्रेड हो चुके हैं, मेन चीज वो लोग सही अपग्रेड हो बात। रहे हैं, तो वो डर लग रहा है कि मुझे भी अपग्रेड होना है। अच्छा ये बताओ, मतलब जैसे अब तुम तो अपग्रेड हो रहे हो, लेकिन किस मतलब कोई एक तो होगा जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता हो कि ये तो टक्कर देने वाला है आखिरी में, खूब तगड़ी वाली। तगड़ी वाली टक्कर मुझे ऐसा लगता है कि अरुंधति अरुंधति साहिल अंजलि और हाँ ये लोग सबसे तगड़े लगते हैं मुझे। अच्छा चलिए, मतलब आपका डांस खूब बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन एक बात बताइए, देखिए लोग दर्शक जो हैं वो आपके बारे में जान तो चुके हैं YouTube और Google से, बाकी आप अपने उससे बताइए कि आप कहाँ से पढ़े लिखे, कैसे मतलब शौक जागा, पहली बार आपने डांस एकेडमी में कैसे एंट्री की, ये सब। अभी माय नेम इज पीयूष दुर्वेले ऐसे बताओ स्टार्टिंग देखो ये बताओ, मतलब तुम तो कितना शर्माते हो भैया, हम तो जानवी के, हम जानवी थोड़ी ना, हम तो मीनू मौसमी है, बता दे हमारे सामने पे आएगा। मैं नागपुर से हूँ, पहले मैं एमपी में रहता था, और हाँ मैं बहुत शर्मीला हूँ, और मुझे मतलब डांस के अलावा कुछ पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं पसंद, मतलब स्कूल में भी स्पोर्ट्स होता था, बहुत कुछ होता था, मैं कभी पार्ट नहीं लेता था, मुझे पता है कि मैं डांस में अच्छा हूँ तो मैं सिर्फ डांस ही करूँगा, डांस करने कहीं पे ध्यान नहीं दिया, मेरा टाइम सब क्लास में ही देता था, और पहली बार मैंने डांस किया था ऋतिक रोशन के सॉन्ग पे एक पल का जीना, और तभी से बहुत बहुत इंटरेस्ट आते गया, और पता नहीं डांस को लेके ऐसा इंटरेस्ट बन गया कि फिर कहीं और टाइम देने का मन ही नहीं करता था, मैंने कभी फैमिली फंक्शंस नहीं किए, मैंने बहुत कम फैमिली फंक्शंस किए, हमेशा घर वाले बोलते थे कि पीयूष आ जा साथ में, मैं कभी जाता नहीं था कि नहीं मेरा क्लास है, मैं क्लास छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर उसके बाद मैंने जो डांस अकेडमी मैंने ज्वाइन की वहाँ पे अमोल सर ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, उन्होंने कभी मुझसे फीस नहीं लिया कभी नहीं, आज 12 साल हो गए मुझे उनके पास, लेकिन उन्होंने मुझे 12 साल तक फ्री ट्यूशन दी है, और फिर वही मतलब मेरे गॉडफादर जैसे है अमोल सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, उनका बहुत बड़ा हाथ है, और करता हूँ बस डांस, कोशिश करता हूँ अच्छा करने का, और क्या बस अच्छा इतना ही है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आप फैमिली गैदर, जब टुगेदरनेस होता था तो आप नहीं जाते थे, हाँ लेकिन एक होता है ना हाँ जब बच्चा छोटा होता है उसको डांस बहुत अच्छे से आता है, तो भैया मम्मी हाँ पापा सभी के सामने डांस करा देते हैं कि अरे अरे ये हाँ भाई बहुत अच्छा डांस करता है। ये तो होता ही था, कहीं भी अगर शादी फंक्शन हो जैसे क्लोज के कोई चाचा चाची को तो जाना ही पड़ता था, मना नहीं कर सकते थे, तो फिर उनका हो जाएगा शुरू, ये करो चलो इसको डांस कराओ, तो मतलब छोटा था तो छोड़ते ही नहीं थे,
मतलब इतने लोग सब अपने मस्ती में नाच रहे, बट नहीं सबको हटा के ये अच्छा डांस करता है इससे कराओ एक बार, मतलब ऐसा होता था। फिर वो लगता है अरे क्यों करते दो ना सबको डांस, आप देखते ही तो मेरा डांस कंपटीशन वगैरह में, वो ये होता ही था बहुत बहुत हुआ ये, अभी भी होता है, बट अभी तो ऑफकोर्स अच्छा मैं बिजी हूँ मुंबई में हूँ, बट अभी भी अगर जाऊंगा तो ये होता है कि पीयूष एक बार कराओ उससे, मतलब हल्दी में सब लोग अपना हाँ मस्ती में नाच रहे हैं बट उनको बुलाना है एक बार मुझे कराना है क्योंकि मैं अच्छा डांस करता हूँ। नहीं भैया, जे अब जो बच्चा जिस चीज में हुनरबाज होता है तो वो चीज तो दिखानी पड़ती है ना, उसे गर्व करते हाँ हैं। अच्छा अभी आप हर दिन टीवी पे आते हो, इतना बढ़िया डांस करते हो, इतने बढ़िया कमेंट मिलते हैं, तो मम्मी पापा के साथ साथ पूरा परिवार खुश होता होगा पीयूष गुरबेले को देखकर। हाँ बहुत बहुत खुश होते हैं, जैसे हमारा गुरबेले परिवार का ग्रुप भी है, जैसे व्हाट्सएप पे सब लोग विश करते हैं कोई, तो मतलब सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके अच्छे अच्छे विशेष आते हैं कि पीयूष आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेहनत मत रोको, तो सब लोग बहुत खुश है, मॉम डैड फ्रेंड्स तो खुशी है बट अदर फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश है। अरे वाह बढ़िया है, मतलब इतना बढ़िया डांस कर रहे हो भैया, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि तुम अंत तक पहुंचो और जो खिताब है डांस दीवाने का वो लेकर जीतो। अच्छा अब जैसे कि तुमने कही कि एक पल का जीना तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग था, उस पर तुमने पहली बार डांस किया था, तो भैया गाना बजेगा और पीयूष नचेगा, नचेगा कि नहीं नचेगा? ठीक अरे ठीक है चलो हम है गाना बजा रहे हैं भैया, मीनू मौसी की रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक बार सुनता हूँ मैं गाना, थोड़ा सा बजा दो। जाओ। ठीक है हम गाना बजा दे रहे हैं। आगे यहाँ से बैठे बैठे ही करना पड़ेगा क्योंकि मतलब जगह नहीं है इधर, सिर्फ इतना ही मतलब अच्छा सिर्फ हटा बैठने दे के लिए भाई जगह है। खड़े, अच्छा बैठने के, चलो कोई हाँ बात नहीं, अभी हाँ हम लगा दे रहे गाना। थैंक बढ़िया डांस किया पीयूष, मतलब बैठे बैठे 1 मिनट में धुन सुनी और फटाक से कोरियोग्राफ कर लिया, इससे बढ़िया क्या होगा यू। है। चलिए हम तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें और कड़ी टक्कर दें सबको, और बाकी जी जैसे जानवी कपूर ने आपको डेट पे जाने की बात कही, वैसे और भी हीरोइनें आए और आपको डेट पे चलने के लिए कहे, सबको हाँ कर देना अपनी जी बात। हो चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया साधु बेटियां के साथ बात करने के लिए, फिर मिलेंगे। हो जी मैम।